हेलो व्यूअर्स, दिस इज राजन, यू आर वाचिंग जी सच। तो जी सच में मैं बहुत दिन बाद आया, बहुत दिन बोले तो 15 दिन हो गया मैं कोई वीडियो नहीं लेकर आया, पता है ना। तो आज आप लोग से एक्चुअली मैं असाइनमेंट रिलेटेड कुछ बात करूँगा, जो असाइनमेंट होता है डिले होता है असाइनमेंट, इस बारे में मैं बात करूँगा और मेरा एक एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करूँगा। देखिए, मेरा ज्वाइनिंग था 9th November को। तो 9th November बोले तो अभी अगर वो असाइनमेंट मेरा रहता तो मैं चला जाता, ठीक है ना। बट वो असाइनमेंट कैंसिल हुआ। कैंसिल होने का बाद क्या हुआ, मेरा ज्वाइनिंग आया 29th November को फिरंजी पे। तो पहले भी मेरा जो 9 पे जो ज्वाइनिंग था वो भी फिरंजी पे था। तो मैं ऐसा ही पेपर वगैरह पूरा रेडी करके रखा था असाइनमेंट ज्वाइन करने के लिए 9 तारीख को। एक्चुअली असाइनमेंट जब आता है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना पड़ता है ये भी आप लोग को मैं थोड़ा बोल देता हूँ। जब आपका असाइनमेंट आएगा ना, तो आपको ज्वाइनिंग करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको रेडी करके रखना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स है आपका जो LOE है, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसका एक कॉपी चाहिए। एक बोनिफाइड लेटर बोल के एक लेटर आता है, वो TM हब में मिल जाता है, वो लेटर आपको हाथ में रखना चाहिए। और आपका जो फ्लाइट टिकट होता है वो रखना चाहिए। आपका जो होटल बुकिंग्स है उसका एक कॉपी रहना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट है सबसे, जो DG शिपिंग का आपका एक ई माइग्रेंट सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है जो DG शिपिंग से आपका email ID पे मिलता है, फ़्लाइट का 3-4 दिन पहले मिल जाता है। तो मेरा क्या हुआ था, मैं 9 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग था और 9 तारीख को ही मैं बोले तो जाने के लिए एकदम रेडी था। तो 7 तारीख को मेरे को मैसेज आया, शायद 5 तारीख नवंबर को मेरे को एक दूसरा ईमेल आया, क्या आपका असाइनमेंट डिले हो गया, आपको ज्वाइनिंग करना है 29th November को। बोले तो मेरा 20 दिन लेट हुआ, ठीक है। तो 20 दिन लेट होने का बाद आज सुबह जब मैं एक्चुअली जो लोग क्रू में काम करता है ना, डेली TM हब ओपन करना पड़ता है, 2-3 बार करके चेक करना पड़ता है, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज है आपका, ये सब चेक करना पड़ता है। तो मैं सुबह नॉर्मली जैसा आँख खोला तो मैं नोटिफिकेशन चेक करने के लिए मेरा ऐप्स ओपन किया। ओपन करने के बाद देखा हूँ मेरा एक नया ईमेल आया। तो क्या मेल आया आज सुबह, ये जो 29 का जो मेरा असाइनमेंट था वो भी डिले हो गया, वो चेंज हो गया, दूसरा जगह हो गया। अभी जब मैं सुबह देखा तो मैं एकदम बोले तो क्या बोलूँगा, मेरे पास अभी लव्स भी नहीं है वो डिस्क्राइब करने के लिए, एक असाइनमेंट कहाँ चला गया, असाइनमेंट मेरा गायब हो गया। और आधा एक घंटा बाद फिर मेरा नया एक असाइनमेंट आया, तब मेरे को अच्छा लगा है देखने का बाद। देख रहा हूँ मेरा जो डेट था और मेरा जो पोर्ट था, मेरा पोर्ट था लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया से, तो वो सब सेम है, सब कुछ सेम है, बट मेरा जो ज्वाइनिंग है दूसरा शिप में होगा। पिछले बार जो मेरा शिप था फिरंजी था, और वो चेंज होने का बाद भी मेरा फिरंजी पे आया था बट डेट एक्सटेंड हुआ था। बट आज जो सुबह मेरा मैसेज आया वो शिप चेंज हो गया, मेरा ज्वाइनिंग डेट सेम है और मेरा पोर्ट जो है वो भी सेम है और मेरा जो शिप है वो चेंज हो गया। तो ऐसा अगर आप लोग के साथ होगा तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले सुन लीजिए। लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, ये अलग अलग शिप का अलग अलग होता है, अलग अलग शिप का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें लिखा रहता है और हर एक शिप का नाम उसमें लिखा रहता है। तो इसलिए जब आपका असाइनमेंट चेंज होगा, जो अपडेट वाला असाइनमेंट है उसका पेपर रेडी करके आपका हाथ में रखो, ठीक है। और जो असाइनमेंट कैंसिल हुआ उसका भी पेपर आपको हाथ में रखो, कभी भी बाद में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप कभी भी जाओगे ना ज्वाइन करने के लिए, क्या असाइनमेंट चेंज हो गया अभी मैं क्या करूँगा, सोचो मत, जो अपडेट डॉक्यूमेंट है उसको उठाओ और डीजी शिपिंग में ईमेल करो। डीजी शिपिंग एक्चुअली क्या कंपनी भी कर देता है, कंपनी करके वो लोग अपडेट कर देता है आपको, आप पासपोर्ट में इमिग्रेशन सर्टिफिकेट लगा देता है, बट फिर भी कभी कभी होता है ना कंपनी डिले कर देता है, भूल जाता है, जो बनाता है मेल वो कभी कभी भूल जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, आपका जो इमिग्रेशन होगा वो लेट होगा और इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रुका के रखेगा। तो इसमें आपका फ़ायदा होगा कि आप पहले से ही जो डीजी शिपिंग का ऑफिस है उसका मेल कर दो, नहीं तो आपका जो कंपनी जो लोग काम करता है उसको ईमेल कर दो क्रू असिस्टेंट पे, भाई मेरा इमिग्रेशन सर्टिफिकेट इमिग्रेशन लेटर नहीं आया, उसको अपडेट करो, तो वो लोग संग करता है।
तो आज का जो प्रॉब्लम हुआ, देखो कल रात में मेरा फ्लाइट है, कल रात में मेरा फ्लाइट है और आज सुबह मेरा असाइनमेंट चेंज हुआ। जब आज सुबह असाइनमेंट चेंज हुआ तब मैं ज्वाइन कैसे करूँगा फिर? और सुबह चेंज ऐसा हुआ बोले तो मेरा एलओई जो है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, और मेरा जो बोनाफाइड लेटर है वो भी चेंज होगा और जो डीजी शिपिंग का इमिग्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी चेंज होगा। तो अभी इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, कल मेरा रात को फ्लाइट है और आज सुबह चेंज हुआ, बोले तो बीच में कुछ घंटा का फ़र्क है, समझ में आया? इसका बीच में मेरे को करना पड़ेगा। तो मैं सुबह से एकदम टेंशन पे था, क्या करूँगा क्या करूँगा, अभी फटाफट डीजी शिपिंग पे मेल करना है क्योंकि मेरा जो इमिग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो कल जाना मुश्किल हो जाएगा। और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट इतना ज़्यादा बोले तो इम्पॉर्टेंट होता है, आपका एयरपोर्ट पे हर एक बार वो मांगेगा देखने के लिए, तो इसलिए उसको कैरी करना एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग कोई भी पहले जाओगे ना तो इमिग्रेशन सर्टिफिकेट और लेटर जो भी है आपका रेफरेंस नंबर उसको उठाओ और उसका एक मेल ऐसा होगा तो मेल आप प्रिंट करके रख सकते हो, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये होगा क्या, जब आप इमिग्रेशन वाला से मांगेगा आप दे सकते हो उसको। सेम ऐसा हुआ तो मैं मेल किया उसको सुबह नहीं 1 बजे मेल किया, दोपहर को मेल करने के बाद 3 बजे मेरा इमिग्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट हुआ और उसके बाद मैं देखा सर्टिफिकेट अपडेट हो गया, मेरा रेफरेंस नंबर आ गया और पिछला जो सर्टिफिकेट था उसको कैंसिल कर दिया गया। तो जब मैं देखा हूँ थोड़ा सा टाइम लगा है बट अभी मेरे को लग रहा है सब सही से चल रहा है। तो कल इसी टाइम पे मैं निकल पड़ूंगा, बोले तो कल शाम को मेरे को जाना है, फ़्लाइट पकड़ना है और कल रात को मेरा फ़्लाइट है। अभी मैं अब लोग से शेयर नहीं कर रहा हूँ कौन सा शिप में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, बट मैं लॉन्ग बीच जा रहा हूँ अभी कैलिफोर्निया, तो उधर जाने के बाद ज्वाइन करने का टाइम मैं आप लोग को शेयर करूँगा कौन सा शिप में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग कमेंट करते रहिए, देखते रहिए और मेरा जो बंगाली ब्लॉग आने वाला है उसमें भी देखते रहिए, गप्पे वाले जो चैनल में नया बनाया, कोई कोई बंगाली भाई है उसको पता चलेगा। एक्चुअली मैं उस चैनल को भी प्रमोट करना चाहता हूँ क्योंकि वो भी मोनिटाइज होने वाला है, तो इसलिए देखते रहिए और शेयर करते रहिए। और शिप वाला और भी जानकारी कुछ चाहिए तो मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।